सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कॉन्सेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9th में शिफ्ट टू पेपर रिव्यू एनालिसिस। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से था, कंपैरिजन विद द शिफ्ट वन पेपर, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस हिसाब से रहेगा, एंड फाइनली इस पेपर के लिए 90% कितने मार्क्स पे बनेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। इस चैनल पे आप सभी को MHT CET रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेगी, प्लस आपकी जो भी एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होगी, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, स्पॉट राउंड, सबके ऊपर वीडियोस आएंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फाइनली अगर आप देखोगे पेपर रिव्यू, सो कंपेरेटिवली मॉर्निंग में जो पेपर था वो थोड़ा इजी साइड पे था, और जो इवनिंग में आया इवनिंग में और थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। अगर आप इवनिंग का पेपर का लेवल देखोगे, मॉडरेट प्लस का मैं इसको रेटिंग दूंगा, मॉडरेट से थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर आया हुआ था इवनिंग में। आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिले। मॉर्निंग में क्या था, मॉर्निंग में आपको फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, 25 से 30 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। इवनिंग पेपर में आपको मतलब 23-24 क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिले। सो फिजिक्स में थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है इवनिंग पेपर में। अगर आप देखोगे फिजिक्स वॉज मॉडरेट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन आप मान के चलो फिजिक्स में आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। जो श्योर शॉट क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें ये फॉर्मूला कर लगाना है और इस तरीके से ये स्टेप्स में सॉल्व करना है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, PYQ जैसा सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री इजी ही आ रहा है, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक के ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट घबराने की बात नहीं है, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक बेस्ड ही आ रहा है। अगर आपका टेक्स्ट बुक परफेक्ट रहेगा तो आप केमिस्ट्री में आराम से 35-40 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स हार्ड लेंथी डिफिकल्ट आ रहा है, बी रेडी, मैथ्स JEE लेवल का ही आएगा अपकमिंग पेपर्स में भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस रखना। मैं हर बार ये चीज़ वीडियोस में बताता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, 90 मिनट्स मिले हुए, 90 मिनट्स में 25 से 30 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आ जाओ। 25 क्वेश्चन भी अगर आपके सही रहेंगे तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, बाकी 25 में आप तुक्का स्ट्रेटजी यूज़ करो, ऑप्शन बी मार्क कर दो, वहाँ से भी आपके 10 से 15 मार्क इजिली आपको मिल जाएंगे। सो आपको टोटल स्कोर 60-65 हो सकता है, बट आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही से अटेम्प्ट करो और फाइनल आंसर तक पहुंचो, बस ये इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। बाकी इस पेपर में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखोगे तो 90 प्लस परसेंटाइल के लिए 91 से 93 मार्क्स लगेंगे, ये चीज़ याद रखो। बाकी ओवरऑल देखोगे यूजुअली आपके 90 से 100 मार्क्स पे 87 से 92 परसेंटाइल, 100 से 110 मार्क्स पे 92 से 94 परसेंटाइल, 110 से 120 मार्क्स पे 94 से 96 परसेंटाइल, 120 से 135 मार्क्स पे 96 से 98 परसेंटाइल बन सकते हैं। ये पेपर थोड़ा मॉडरेट प्लस था, सो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स पे 92 के अराउंड परसेंटाइल आ जाएंगे और 90 मार्क्स पे आपके अराउंड 90 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। एंड मस्त पेपर था, मॉडरेट पेपर था, कम मार्क्स पर ज़्यादा परसेंटाइल भी मिल सकते हैं। तो गाइस यही था आज का पेपर रिव्यू एनालिसिस, होप्स आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड सो गाइस ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आने वाला है, वो वीडियो ज़रूर देखना कि डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने कहाँ से, क्या आप एजेंट के थ्रू बनाओ या फिर ऑनलाइन बनाओ, किस तरीके से बनाने, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा। सो वो वीडियो ज़रूर वॉच आउट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दूँ।